नाजरीन, अभी आपकी खिदमत में पेश है किरण ड्यूटी न्यूज। माशरे की खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं मोहम्मद यूनुस, किरण ड्यूटी न्यूज, हैदराबाद। जहीराबाद में एक खौफनाक रोड हादसे में दो की मौत वाकई हो गई। तफसीलात के मुताबिक बिदर से हैदराबाद आने वाली एक बस एक ऑटो से टकरा गई। ऑटो में सवार दो लोग, इसका नाम रामलू 32 साल, पांडू 35 साल, दोनों की मौत वाकई हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया और एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बताया जा रहा है कि रामलू को तीन लड़कियां थे और एक लड़का कल ही हुआ था। बहरहाल पुलिस इस मामले में ड्राइवर को अपनी हिरासत में ले लिया। मोहम्मद फयाज अहमद और मोहम्मद खादर के साथ मई शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। जहीराबाद टाउन लो मन मिलंदाबा अपोजिट अंदाजा 5 निमिषाल समयंलो बीदर नुंचि वस्तुन्न आरटीसी बस जहीराबाद नुंचि वेळ्तुन्न आटो पे यासिडेंट अय्यिंदि। अंदुलो रामु पांडु इद्दरु अक्कडिकि यासिडेंट लो मरणिंचारु। अला పద్మ అలా భార్య పద్మ కాంప్లైంట్ తీసుకున్నాము, అలా ఆమెతో కాంప్లైంట్ తీసుకొని కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసింది. ఆ ఆర్టీసీ బస్ను కస్టడీలో తీసుకొని ఇన్స్పెక్షన్ చేసింది. మన ఈ డెడ్ బాడీలను మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ జహీరాబాద్లో సచ్ కి తలాష్ కా నామ్ గ్రాండ్ టుడే న్యూస్ ముజే దీజియే ఇజాజత్ అల్లా హాఫీజ్.